सभी दोस्तों नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है जी अगले दिन के बज रहे हैं सुबह के 7। अपन चलने जरा चारा लेने, प्लानिंग थोड़ी तब्दीली कर दी। हालांकि मैं कल 2 दिन का लाया है चारा 4 गड्डी, लेकिन आज वो लिया मैं कल के लिए। आज कहीं जाने का प्लान है मेरा भी, तो ये चल रहे हैं अपनी ऑक्स वैगन लेकर। रास्ते के हालात हैं गंभीर इसके, अब पूरे चौमासे और 2-3 महीने ऐसे ही रहेंगे इसके। जब छोटे छोटे हम पापा के साथ जाया करें हमें बुग्गी बैठ के, तो पहियो देखते चला जा भैया, पानी चला गया आ गए, कभी अलग ही वो रह भैया। चल भाई चल, बड़ा कर्रा टास्क है बैल के लिए। बाकी जी मौसम तो हो रहा अजीब सा, पता नहीं चल रहा कैसा है, बारिश का है नहीं है, बादल तो दिखाई बादल ही है, वैसे कोहरा सा भी है। चलो चल चल, गड्ढा ज़्यादा गहरा है, थोड़ा तेज पड़ के चल। तो जी पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पे। अब तुम्हें दिखाते हैं यहाँ धानों की स्थिति कितनी है, कैसी है, क्या है। फिर अब भी टेंशन में ही है यो खेत, यो उतना लग गया। ऐसे मान लो अगर इसके खेत के 5-6 हिस्से कर मतलब, तो 4 लग गए, 1 रह गया। अब पौध हो गई ख़त्म। तो वैसे है गांव में एक की बची हुई, अब वो आज लाएगा बिंदु, उखेड़ उखाड़ गया। अब इसमें देखो जी, कल तो पानी चला गया, तो बतेरा पानी है इस टाइम। तो अब जो है जी अपना यो काम निपटा में पहले। बैल को मक्खी बहुत दिक्कत है, फिर हटिए बताओ हटिए। काट के ही 2 गड्डी ले चलना है कल के लिए। आज का तो खैर मैं दिखाई दिया बताई दिया हैगा जखीरा घर, कल के लिए हो जाएगा वो। अब मेरा काट लूँ तो ये 2 गड्डी काट के लोड करके अब चल दिए वापसी अपन। ऊपर वाला भी अब मेरे ख्याल से गियर बदलने वाला है, लगाने वाला। अभी तो बारिश का, बदलना तो बाद में है, लगेगा बारिश का गियर, ऐसा लग रहा है, पता कुछ ना है। तो जी नहाने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद अब लगभग बज रहे हैं 10। अपन चल रहे हैं बहन जी के यहाँ, कुछ धार्मिक कार्य है वहाँ भी, आज जाना वो दिखाते हैं जो भी प्रक्रिया रहती है अगली वाली। और हाल फिलहाल मैं निकल गया हूँ घर से और गांव में से भी। मौसम बाहर का ही खैर बढ़िया है, वो दिखाई है हालांकि बूंदाबांदी तो है ना सुबह से, अब तक भी तो देखने देखने का ही है फिलहाल तो मौसम। धर्मेंद्र बाबू ले आ रहे हैं जी बुग्गी अपनी, कार्रवाई उठा रहे हैं डेयरी का अपने। बातों मशगूल हैं। अरे भाई क्या हाल है महाराज, बढ़िया बढ़िया। पहचान ना रहे हो तुम तो भैया। अरे हमें भरोसा पूरा भाई साहब, अभी तो हम कुछ ना कह रहे। हाँ ना कुछ ना, बहन जी कहाँ जा रहे हैं यार, आओ। और सब बढ़िया, लो जी। एक तो ये सूखी सूखी तो काट के लाल लगे, देखो ये उसका ही सारा रेड रोड का, लेकिन ऐसा रुका क्या खेत, तो रेड रोड तो जी फैल ही है, तो पता ना कितना गन्ना सुखाएगा आपके। अभी जितनी फसल हरी हरी खड़ी है जहाँ तहाँ, सब चारों तरफ देखो हरियाली हरियाली है यहाँ तो अब पता नहीं 2 महीने बाद क्या आलम रहना, यू आलम तो ना रहेगा जो पड़ा देखो, ये सब गन्ना
रेड रोड का है, सब निकाल के फेंका इन्होंने किसी ने। इतना गन्ना तो अभी लग गया चट्टा, लगा लो हिसाब हमारे पे भी लग जाएगा निकाल के एक गन्ना फेंकने लगे ऐसे तो। लेकिन ये तो कब तक निकालेंगे, ऐसे खेत खाली जाएगा पूरा, जो होगा कुदरत मालिक है जी, बाकी देखते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखो जी यो है कांवड़ पथ, असल में कांट से जो रास्ता जा रहा, तो प्रशासन ने यहाँ जो है जंगल में व्यवस्था देखो ट्यूबलाइट करी है, ये सब ट्यूबलाइट लग रही है यहाँ, ये होती है सरकार की बात, सरकार का सपोर्ट है, जो बल्ब लगे पड़े हैं यहाँ देखो जंगल में ये लटक रहे, और ना तो यहाँ गुप्प बने रहे, उतर जाएंगी लाइट अभी जैसी है, सोमवार खत्म हो जाएगा अगला वाला सामान का, सब लाइट हो जाएंगी। ये है सिस्टम बोलो का, बिल्कुल ऐसा माहौल है वन में चल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली पेड़, हालांकि वह जंगल इधर को, बाहर का मौसम भी ठंडा, अंदर तो खैर एक नंबर भी चला रखी है एसी, और बिल्कुल बढ़िया ठंडा ठंडी कर रही है कहते आज तो, बिल्कुल जबरदस्त मौसम हो रहा, आनंद आ रहा कुल मिला के। अब यहाँ बैठे हैं इनके, तुम्हें यही जाना चाहिए, बड़े बूढ़ों का यही काम है। अरे और सूचना प्रसारण मंत्रालय है ये देवपुरे की। तो जी है इनके भाई साहब के गांव का मंदिर, इनका एक प्रसाद है कहाँ गंज बिजनौर के पास है, जहारवीर जी का है वो, हाँ जहानाबाद का, तो वही चढ़ाने जा रहे हैं, अब बस निकलने की तैयारी है। तो जी निकल पड़े हैं सफ़र के लिए टू द बिजनौर, हम भाई साहब और हमारे साथ हैं पीछे भगत जी जो मेन वो हैं मीडिएटर, जो बताऊंगा कैसे कैसे कार्रवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है जी, अब तक चल रहे हैं हम उत्तराखंड में, दो गाड़ियाँ एक यो है अपनी और एक आगे चल रही है सफारी, तो जी हल्की फुल्की बारिश भी पड़ रही है जहाँ तहाँ को रास्ते में, कोई छोटी मोटी बदरी है आज बरस रही है। पहुंच गए बिदुरकुटी, यो है प्रांगण बिदुरकुटी का, आश्रम वगैरह सब कुछ, सब लोग रुके पड़े हैं। अब शाम को होएगी पूजा, बाकी कार्यक्रम अब हम फिलवा नहीं पाएंगे, तो आज के ब्लॉग की तो करते हैं यही समाप्ति, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल के दिन की शुरुआत देखते हैं कहाँ से करते हैं।